अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ मटन मसाला। तो मटन मसाला तो बहुत इजी होता है, आपको पता है हर घर में माशाल्लाह बनता है ये। लेकिन चले देखते हैं कि अगर आपका सेम है मेथड तो फिर चेंज करके देखते हैं, और अगर आप किसी और मेथड से बनाती हैं मटन मसाला तो आप मुझे जो है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले जो मैं बताती हूँ आपको वो है मटन। तो मटन जो है वो मैंने लिया है 1 kg, हो सकता है 1 kg से थोड़ा ऊपर हो, तो मैंने इसको वॉश कर लिया है। इसके बाद मैंने लिया है ये आनियन है और गार्लिक है। आनियन मैंने तकरीबन 3 से 4 आनियन लिए हैं और ऐसे रफली मैंने चॉप कर लिए हैं इसको मोटे मोटे से, और ये है गार्लिक भी है। और मैंने ये चिल्ली जो ली है बिग ली है, इसको गार्निश के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मसाले के ऊपर, मटन मसाले के ऊपर। उसके बाद आपको पता है कि मटन मसाले में जो है आनियन वो ज़्यादा डाला, टमाटो जो है वो ज़्यादा डाला जाता है, तो टमाटो मैंने जो है वो 4 लिए हैं और उसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इसके बाद जो है वो मैंने ये ड्राई जो स्पाइसेस हैं वो लिए हैं थोड़े थोड़े, तो ये तो सबको पता है कि ड्राई स्पाइसेस कौन से हैं, तो ये मैंने लिए हैं, बहुत कम लिए हैं क्योंकि 1 kg से थोड़ा ऊपर है तो कम ही। इसमें ये मैंने लिया है दूसरा गार्लिक जो मैंने छोटा छोटा चॉप किया है, फिर मैंने ग्रीन चिली 5 से 6 ली हैं। इसके बाद मैंने लिया है ये जो जिंजर जो मैंने जो है ये जूलियन शेप में काटा है, और ग्रीन कोरिएंडर है, ये मैं गार्निश के लिए दोनों चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। बाकी ये आम जो चीज़ें हैं स्पाइसेस हैं जैसे कि रेड चिली है और टर्मेरिक है और सॉल्ट है, और उसके बाद ये है गरम मसाला जो मैं एंड में यूज़ करूँगी। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ जैसे कि मैं जो मेरा मेथड है वो ये है कि मैं वॉश करके मटन को मैं ये सारा जो है एक ही जगह पर मैं ये डाल देती हूँ, आनियन गार्लिक और ये जो है ये। इसके बाद ये देखिए ये जो मैंने गार्लिक चॉप किया है इसको, जिंजर जो चॉप किया है इसको डालूंगी और ग्रीन चिली मैं डाल दूंगी, ठीक है। फिर मैं ये सारे जो रेड चिली है, सॉल्ट है, टर्मरिक है, उसको भी मैं डाल दूंगी। अब मैं इसको प्रेशर में डाल के, प्रेशर कुकर में मैं इतना वाटर डालूंगी जिसमें ये डिप हो जाए, और मैं सिर्फ इसको 10 से 15 मिनट मैं इसको दूंगी, और 15 मिनट के बाद मैं फिर आपसे शेयर करूंगी कि अब इसको भूनते वक्त मैंने इसमें क्या यूज़ करना है। अब ये देखें 15 मिनट रखने के बाद, प्रेशर देने के बाद ये तैयार हो गया। मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया, इसलिए डाला है कि ज़रा अच्छी सी वीडियो बन जाए, यानी ज़रा खुली हो जाए चीज़। तो ये मैं ड्राई स्पाइसी सारे इसमें डालूंगी, और ये जो मैंने टमाटो कट किए थे 4 वो मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मैं इसको ऑयल डाल के, ये देखिए मैं ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह। ऑयल अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आप स्पाइसी अपनी मर्जी से बना सकते हैं जैसे आपका दिल करता है। वैसे गट्स होना इंसान में तो ख़राब चीज़ को भी सही कर लेते, और मैंने बहुत दफ़ा कुकिंग के दौरान कि कभी मेरे से कोई कमी पेशी हो जाए ना, तो मैंने जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ों को सही किया है पकाते पकाते ख़राब होते होते, क्योंकि इंसान को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना तो वो इंसान काम कर जाता है, हो जाता है उससे अच्छा, ख़राब होते होते भी वो अच्छा कर सकता है। और मैं समझती हूँ कि जो हम लोगों की तरह जैसे कि ख़वातीन है घर की कुकिंग करने वाली, और तो कुकिंग तो मुझे लगता है हर एक को ऐसे आनी चाहिए, और शौक़ भी है कुकिंग का। और ये देखिए अभी ये थोड़ा थोड़ा ऑयल इसका आ रहा है, जब इसका कंप्लीट ऑयल ऊपर आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो पे। और अब मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, और डिश आउट करने के बाद मैं गार्निश करूँगी ग्रीन कोरिएंडर से और ये जो जिंजर से। मैं अब डिश आउट करती हूँ इसको, देखिए इसमें माशाल्लाह मसाला भी कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि इसमें मैंने टमाटो भी 4 डाले थे तो कितना ज़्यादा मसाला बन गया। जैसे कि हमारी डिश का नाम भी है मटन मसाला,